Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 14. Question is, in the given figure, AB is parallel to CD. Yani ye AB jo puri complete side hai, ye CD ke parallel hai. Saath hi DE is parallel to FG. Aur DE hai, yani ke this side is parallel to FG. Is side ke parallel hai. Determine angle PDE. Angle PDE ko, agar aap dekhen figure mein, angle PDE ke hamara kaun sa angle hai? This angle, ye wala angle PDE. Aur angle AFD. Angle AFD kya hai? Angle AFD ko agar hum dekhe, to AFD, yani ke this angle. और उसके बाद एंगल DFG ये भी फाइंड आउट करना है, तो DFG को अगर हम फिगर में देखें, DFG is nothing but this angle, ये वाला एंगल. तो ये तीनों एंगल आपको बताने हैं. तो सबसे पहले हम यहां पर किस तरह से करेंगे, सी यहां पर अगर आप यहां पर देखें, सिंस CD is parallel to AB, ये गिवन है हमें. एंड यहां पर अगर मैं PF को, PF इज ट्रांसवर्सल, PF को ट्रांसवर्सल लेता हूं, सो आई कैन से दैट दिस एंगल PDC इज इक्वल टू, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल AFD. AFD के इक्वल होगा, आप फिगर में देखें, दिस एंगल इज इक्वल टू द दिस एंगल. क्यों होंगे? Corresponding pair of angle. तो ये जो हो जाएंगे, ये corresponding pair हो जाएंगे, ये corresponding angles हैं. तो यहां से angle AFD कितना आ गया, angle AFD की value 55 degree आ गई, दोनों में ये भी 55 degree आ गई. अब आप देखें angle DFG, यानी ये angle मुझे calculate करना है, तो आप देखें ये तीन angle, यानी this angle and this angle, ये तीनों मिलके linear pair बना रहे हैं. तो मैं यहां पे लिख दूंगा, सिंस एंगल AFD प्लस AFD के बाद कौन सा एंगल है, DFG प्लस एंगल DFG और प्लस जो है ये 70 डिग्री का एंगल BFG, एंगल BFG ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 डिग्री. तो यहां ब्रैकेट में आप लिख देंगे लीनियर पेयर ये बना रहे हैं. तो AFD कितना है, 55 डिग्री प्लस एंगल DFG फाइंड आउट करना है आपको, प्लस BFG कितना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल DFG कितना हो जाएगा, 180 माइनस यहाँ पे 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125. और ये जब आप माइनस करेंगे 180 में से 125 को जब आप माइनस करेंगे, तो 55 डिग्री आपको मिलेगा एंगल DFG. This is angle DFG. Now angle DFG कितना आ गया, 55 degree. तो 55 degree आ गया, तो आप देख सकते हैं PDE angle और ये DFG दोनों corresponding pair है, तो ये भी 55 degree आएगा. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, since angle DFG is equal to angle PDE, दोनों 55 degree, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे corresponding pair लिख देंगे. क्यों है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर, आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फिगर के अंदर, मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि यहां पर DE इज पैरेलल टू FG है और साथ ही PF जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे.